है, खरीदना है पॉलीकैब। पॉलीकैब के चार्ट को अगर आप देखें तो स्टॉक में एक भीषण गिरावट आई, उसके बाद बड़ा शार्प रिकवरी आते हुए नजर आ रही है और मुझे लगता है नहीं जी ये रिकवरी और इसको ऊपर ले जाएगी। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम एडिशन जिस तरह के देखने को मिल रहे हैं और चार्ट पर जो ब्रेकआउट हमने कल आते हुए देखा और आज फॉलो थ्रू बाइंग है, तो मुझे लगता है कि 5800 के लेवल्स भी स्टॉक दिखा सकता है। तो इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है, स्टॉप लॉस 5410 पर, 5410 पर रखें। पहला टारगेट होगा 5543 का, इवेंचुअल टारगेट 5660 का, तो 5660 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है पॉलीकैब के फ्यूचर्स। ओके, पॉलीकैब के फ्यूचर्स में खरीदारी करें, 5600 तक जाने की इसकी है तैयारी 5410 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर नहीं हो गया कुणाल जी, थोड़ा नजदीक करो, टू फार। अनिल जी देखिए ये जो लेवल्स मैं दे रहा हूँ ये फ्यूचर के लेवल्स हैं, तो आज का जो डे ओपन है उसके आसपास स्टॉप लॉस रखें, तो 5410 नहीं तो 5420 पर भी रख सकते हैं, तो 5420 पर स्टॉप लॉस रखें, खरीदारी करें। कुणाल जी अगर है ना वो क्या ऐसे बिजनेस मैन होते ना तो